आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको मज़ेदार सा पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए चलें आए आप पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। ये मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे पहले। 1 किलो गोश्त लिया है, साबुत गर्म मसाला चाहिए होगा, नमक चाहिए होगा, अजवाइन 2 टेबल स्पून, ज़ीरा 2 टेबल स्पून, खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, सौंफ 2 टेबल स्पून, अदरक 1 पीस काट लें आप, और ये लहसुन का ये चाहिए होगी मुझे पोथी, और 2 अदद प्याज मैंने काट लिए हैं। इसके साथ मुझे काली मिर्ची चाहिए होगी पिसी हुई, मैं भी आपको दिखाती हूँ। जी हाँ जी, ये 2 चम्मच मुझे काली मिर्च का पाउडर चाहिए होगा, और 2 टेबल स्पून मुझे विनेगर चाहिए होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, मैंने पैन के अंदर 1 कप घी जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें, ये मेरा घी गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूँगी। अब प्याज को मैं लाइट ब्राउन करके आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये एक तरफ जो मेरी प्याज है वो लाइट ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिया है, तो इसके दूसरी तरफ मैं आपको इसका जो एक कहवा होता है इसके अंदर डलता है, यखनी टाइप होती है, वो बनाती हूँ। आपने देखा होगा कि बाज़ अवकात जो पुलाव में हमारे मुंह में आ रहे होते हैं ज़ीरा और सौंफ, स्पेशली मेरे घर वालों को सौंफ का ज़ायका जो मुँह में आता है ना वो पसंद नहीं है, तो उसके लिए अलग से हम एक इनकी यखनी बनाएंगे और फिर उसको छान के डाल देंगे। तो ये मैं दूसरे चूल्हे पे मैंने यखनी बनने के लिए रख दी है। इसमें मैं अंदाजे के मुताबिक 1 गिलास पानी डाल दूँगी। जी, ये 1 गिलास पानी डालने के बाद जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी वो इसमें हम शामिल कर देंगे। जी नाज़रीन, ये मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट्स बताए थे, सौंफ, अजवाइन, ज़ीरा और खुश्क धनिया, ये मैं सारा के सारा इस पानी में डाल दूँगी, और ये अच्छी तरह इसमें पक जाएंगे। बॉयल होने के बाद अपना जब ये जायका इसके अंदर छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको छान लेंगे। जी नाज़रीन, देखें जो मेरी प्याज है इसका कलर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून साबुत गर्म मसाला, 1 साबुत गर्म मसाला मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको चलाऊँगी और इसमें जो मैंने लहसुन लिया हुआ था वो डाल दूँगी, और इसके अंदर मैं गोश्त डाल दूँगी। अब चेंज कर लेती हूँ। देखिए, मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है, ये मेरा हल्का सा गोश्त जो है वो फ्राई हो गया है। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, मैं इसके अंदर नमक डाल दूँगी, ये मैं तकरीबन इसमें 3 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड करूँगी, आप अपने अंदाजे के मुताबिक डाल सकते हैं, और साथ में इसके थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी, थोड़ी सी नाज़रीन इसमें अजवाइन भी डालेंगे, और मैं इसको चलाऊँगी। अब मैं आपको यखनी की भी एक लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब जितने मैंने चावल लिए थे उतना मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। 1 किलो चावल थे तो मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर। जी नाज़रीन, मैंने इसमें पानी डाल दिया। अब करना ये होगा, इसमें मैं जो मैंने काली मिर्च ली थी 2 टेबल स्पून वो डाल दूँगी, और इसको मिक्स करने के बाद हम इसमें जो हमारी यखनी तैयार होगी है ना वो ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं अभी आपको छान के ना वो यखनी दिखाती हूँ, फिर वो ऐड करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरी यखनी तैयार हुई है। ये जो मैंने आपको सौंफ बताए थे और वो जो ये मैंने छान लिया उसका पानी, अब मैं इसको चावलों के पानी में मैं ऐड कर दूँगी। और हाँ नाज़रीन, अगर आपको सौंफ का जायका या ये मुंह में आते हुए अच्छे लगते हैं तो आप इसको डायरेक्टली वो गोश्त के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। जी, ये मैं इसमें डाल दिया। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट पकाएंगे,
गोश्त गल जाएगा, चिकन जो हमारा है वो थोड़ा नरम पड़ जाएगा, तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे, ठीक है। फिर जब ये मैं 20 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। नासिन देखिए ये 20 मिनट हो चुके हैं, मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी यखनी तैयार हो गई है, अब मैं आपको इसमें चावल डाल के दिखाती हूँ। देखिए ज़रा ये जो हमारी यखनी है ये तैयार हो चुकी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद है तो आप प्याज को ज़रा डार्क ब्राउन कर लें, अगर आपको पुलाव में लाइट कलर पसंद है तो आप प्याज को, ये सारा जो है डिपेंड है वो प्याज के ऊपर होता है। चलिए जी मैं आपको चावल डाल के दिखाती हूँ। जी ये देखिए मैंने चावल डाल दिए, अब हम इसको हल्की आंच पे चावल गलने तक, पानी खुश्क होने तक पकाते हैं। इनका पानी खुश करके मैं आपको दिखाती हूँ। नाज़िम कोशिश किया कीजिए कि जो चावल आप पकाते हैं इसको हल्की आग पे पकाया करें, इससे चावलों में अच्छा सा टेस्ट आता है। नाज़िम देखें इनका पानी तकरीबन लेवल पे आने वाला है, तो अब मैं इसके अंदर जो मैंने अदरक चॉप करके रखी हुई थी बारीक बारीक खा के वो डाल दूँगी, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ मैं इसमें विनेगर जो मैंने अंदाजे के मुताबिक लिया था, ये रहा, ये 2 से 3 टेबलस्पून के मुताबिक मैं इसमें डाल दूँगी, इससे जो चावल का दाना होता है ना वो झुड़ता नहीं है। जी नाज़रीन नज़र आ रहा है ना आपको? जी अब जैसे इसका पानी थोड़ा सा लेवल पे आता है तो मैं इसको ये दम पे लगा देती हूँ। और मैं इसको अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट के बाद ना इसको पानी थोड़ा खुश करने के बाद दम पे लगाती हूँ और फिर लास्ट लुक आपको दिखाती हूँ। औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन दम हटाने का टाइम आ गया है। वाओ माशाल्लाह देखिए ज़रा कितने ज़बरदस्त चावल बन के तैयार हुए हैं। जी जी ज़बरदस्त से चावल बन चुके हैं, मैं ज़ूम करके दिखाती हूँ आपको। लुकिंग नाइस ब्यूटीफुल। टेस्टिंग का टाइम आता है नाज़रीन, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये बने कैसे हैं। जी तो नाज़रीन हम ये गरम गरम चावल टेस्ट करके बताते हैं आपको कि ये बने कैसे हैं। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे दही। चलें अब हम टेस्ट करते हैं इसको और बताते हैं आपको। टेस्टी, सो मच टेस्टी नाज़रीन, आप ज़रूर 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 ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बने हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।